नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ दी कस्टम्स एक्ट 1962 के बारे में। दोस्तों, कस्टम्स एक्ट जो है वो भारत में इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में देखा जाता है और ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, किसी भी तरह के इंपोर्ट यानी कोई भी माल आपने बाहर से मंगवाया है या एक्सपोर्ट जो विदेशों में आपने माल भेजा है उसके ऊपर लगाया जाता है दोस्तों। और ये जो कस्टम्स एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ऊपर में अप्लाई होता है, सर्विसेज के ऊपर में ये टैक्स नहीं लागू होता। दोस्तों, कस्टम्स एक्ट जो है लगाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि भारत की इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज के ऊपर में किसी तरह का अननेसेसरी प्रभाव ना पड़े, यानी कि भारतीय में जो इंडस्ट्रीज जो अपना प्रोडक्शन दे रही है उन इंडस्ट्रीज के ऊपर में किसी भी तरह का विदेश से माल मंगवा के उनके ऊपर में अन्य रूप से किसी तरह से प्रभावित ना किया जाए उनको। यानी अगर कोई व्यक्ति भारत में कोई माल बना रहा है और उस माल की प्रोडक्शन को कम या ज्यादा करने के लिए कोई व्यक्ति बाहर से माल मंगा के उसकी फैक्ट्री के ऊपर में अगर इनडायरेक्टली कोई असर पड़ता है तो भारत की सरकार कस्टम ड्यूटी के तहत में इस बात की जांच करती है कि कोई भी माल की ज्यादा अगर आवक हो गई है या ज्यादा उसको कोई आदमी इंपोर्ट कर रहा है तो उस माल के ऊपर में कस्टम ड्यूटी बढ़ा के उस माल की रेट और भारत में जो माल उत्पादन हो रहा है उस माल की रेट को बराबर किया जा सके ताकि भारत की इकोनॉमी में किसी तरह का गलत असर ना आए। इसी तरह से दोस्तों, एक्सपोर्ट में भी ऐसा देखा जाता है कि कोई माल अगर आदमी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो उसकी ड्यूटी इतनी बढ़ा दी जाए कि उसके एक्सपोर्ट पे असर पड़े ताकि वो माल ज्यादा से ज्यादा बाहर ना जाके देश में ही खपत में आए। दोस्तों, सेक्शन 12 जो कस्टम्स एक्ट है इसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है और कस्टम्स टैरिफ एक्ट के नाम से एक अलग एक्ट बनाया गया है जिसके तहत में कस्टम ड्यूटी कितनी किस माल के ऊपर में लगनी है वो कस्टम्स टैरिफ एक्ट निर्धारित करता है। यानी दी कस्टम्स ड्यूटी एक्ट में किसी भी तरह की ड्यूटी निर्धारित नहीं है, इसके लिए कस्टम्स टैरिफ एक्ट अलग से बनाया गया है जिसके तहत में हर माल के ऊपर में लगने वाली कस्टम ड्यूटी को निर्धारित की गई है। दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि गुड्स इन ट्रांजिट यानी कोई भी माल रस्ते में है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी अगर वो व्यक्ति उस चीज की डिक्लेरेशन कर देता है भारत की भूमि में अंदर आते। यानी अगर कोई शिप है और वो शिप किसी माल से भरा हुआ और उस शिप को किसी दूसरे देश में जाना है या तो वो भारत की सीमा से बाहर होके निकल जाए, अगर वो भारत की सीमा में वो आती है तो उस शिप के अंदर में जितना भी माल है उसकी उसको डिक्लेरेशन यानी उसकी उसको डिस्क्रिप्शन सारी बतानी होगी ताकि उसके ऊपर में कस्टम ड्यूटी ना लगे, अदरवाइज उसमें उसकी कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। तो गुड्स एंड ट्रांजिट के लिए एक सीधा सा प्रावधान बनाया गया है कि जिसके तहत में कोई भी व्यक्ति अगर गुड्स ट्रांजिट में है तो उसका डिक्लेरेशन इंडियन लैंड के ऊपर में आते ही दे दे ताकि उसके ऊपर में कस्टम ड्यूटी ना लगे। इसी तरह से दोस्तों, कस्टम ड्यूटी जो है स्मगलिंग को रोकने के लिए और किसी भी प्रोडक्ट की डंपिंग को रोकने के लिए भी बहुत प्रभावी रूप से कार्य करती है। भारत में काफी देखा जाता है कि स्मगलिंग काफी मात्रा में लोग करते हैं, अगर उस स्मगलिंग के ऊपर में कार्रवाई ना की जाए तो वो स्मगलिंग भारत में आने के बाद में भारत की इकोनॉमी को काफी प्रभावित कर सकती है। तो उस स्मगलिंग को रोकने के लिए कस्टम्स ऑफिसर अलग अलग जगह पे अपनी ड्यूटी पूरी प्रभावी तरीके से बनाते हैं और उस माल को सीज करके वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है। अंटिल एंड अनलेस अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर में प्रूफ करे कि ये माल जो है जेन्युइन है और उसके साथ में उसको उस सारे प्रोडक्ट के उस सारे माल के डॉक्यूमेंटेशन दिखाने पड़ते हैं और सेटिस्फेक्शन होने के बाद ही उस माल को रिलीज किया जाता है और उसके ऊपर पूरी कस्टम ड्यूटी लगती है। अगर वो माल नहीं शो कर पाता जेन्युइन तो वो माल जब्त हो जाता है और अगर वो नार्कोटिक्स से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, कस्टम ड्यूटी भारत की इकोनॉमी में बहुत अहम रोल अदा करती है और इसको जो है सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड गुड्स पे ही लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये था कस्टम ड्यूटी के ऊपर में टॉपिक। अगले वीडियो में फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।